स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ में एक पोइट्री के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन पोएम जिसका टाइटल है अमेंडा बाय रॉबिन क्लेन तो ये जो पोएम है बहुत अच्छी पोएम है हालांकि ये बचपन में सभी बच्चों को डिनोट करती है प्रदर्शित करती है जैसे कोई बच्चा होता है उसको कॉन्स्टेंटली लगातार उसको ये करो वो करो ये करो वो ना करो ऐसे मतलब कहा जाता है ना किसी भी बच्चे को टोका जाता है डूज एंड डोंट्स होते हैं कई यानी कहने का मतलब मम्मी या पापा या पेरेंट्स जो गार्जियन होते हैं घर में वो बच्चों को रोकते नहीं कि ये करो वो ना करो है ना तो लेकिन जो बच्चा होता है वो अजीब तरीके के विचार रखता है सोचता है स्वप्न देखता है फ्री होने का बिल्कुल केयरलेस बिल्कुल टोटल फ्री होने का और एक अच्छा जीवन जीना चाहता है तो एक इसमें अमेंडा नाम की एक लड़की है जिसकी मनोदशा को वर्णन किया है छोटी सी बच्ची है कि उसके मन की स्टेट को वर्णन किया है कि वो क्या सोचती है और जबकि बराबर उसकी मम्मी के द्वारा उसको मना किया जाता है कि ये काम करो ये ना करो ये करो ये ना करो इस तरीके से लेकिन वो वो इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती वो तो बराबर स्वप्न देखती है माने स्वप्न देखती है विचार करती है कल्पना करती है कि काश ऐसा हो है ना वो कभी कल्पना करती है स्वतंत्रता की कभी कल्पना करती है मरमेट की मरमेट का मतलब होता है एक जलपरी जलपरी की कल्पना करती है और कभी एक ऐसे अनाथ की कल्पना करती है कि जो सड़कों में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है भटक रहा है नंगे पैर और कभी वो कल्पना करती है कि रिपनजेल रिपनजेल का मतलब है कि एक प्रकार की एक जर्मन फेरी टेल वाली लड़की यंग लड़की जो जर्मन फेरी टेल जो परियों की जर्मन में कहानी है उसको रिपंजेल बोलते हैं कहने का मतलब जो जर्मन एक यंग गर्ल है जो परियों की कहानी में उसका नाम रिपंजेल है रखा जाता है तो कभी वो रिपंजेल के बारे में सोचती है और वो सब उन चीज़ों को नोटिस नहीं करती जो उसकी माँ उसको कहती है कुछ भी करने को कहती है वो उसको नोटिस नहीं करती बल्कि वो वो अलग ही स्वप्न में खोई है और फिर उसको माँ की डांट भी पड़ती है क्योंकि वो माँ उसको कहती है कि बहुत मूडी है तो इस तरीके से ये जो कहानी है वो हर बच्चे की कहानी है इसमें ये जो पोएम है हर बच्चे को रिलेट करती है क्योंकि सबके घर में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको माँ या पिता उसको डांटते हैं कि ये काम करो ठीक से ये काम करो ठीक से इस तरीके से लेकिन बच्चा अपने ही स्वप्न में अपनी ही मस्ती में रहता है बस उसी बच्चे की स्टेट को बताया एक, एक गर्ल को आधार करके एमेंडा नाम की लड़की को एक वे बनाकर इसी चीज को यहाँ रिप्रेजेंट पोएट पोयेक्ट ने पोइटेस ने किया है तो चलिए पोएम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथ ही साथ वेलाइकन भी ऑन कर लें जिससे हम आगे जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके तो चलिए शुरू करते हैं पोयम से। अमेंडा माँ कहती है उससे डोंट वाइट योर नेल्स, अमेंडा कि अमेंडा डोंट वाइट योर नेल्स। वाइट माने होता है काटना दांतों से काटना नेल्स माने नाखून कि डोंट वाइट योर नेल्स, अमेंडा कि अमेंडा अपने नाखून मत काटो डोंट हंच शोल्डर अमेंडा अमेंडा अपने सोल शोल्डर्स को माने अपने कंधों को हंच मत करो माने उचकाओ मत उठाओ मत हं, कंधों को बार बार माँ कहती कि डोंट बाइट योर नेल्स कि नेल्स मत काटो अपने दांतों से नेल्स मत चबाओ अमेंडा और डोंट हंच योर शोल्डर्स अपने कंधों को मत उचकाओ अमेंडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा और माँ रोकती हैं कहती है कि स्टॉप इस, इस देट स्लाउचिंग स्लाउचिंग का मतलब होता है झुक कर चलना कि ये झुक कर चलना बंद करो बल्कि क्या करो और सीधे बैठ जाओ सिट अप स्ट्रेट स्ट्रेट माने सीधा और सीधे बैठ जाओ अमेंडा क्या अमेंडा को माँ पहले कहती है कि डोंट वाई योर वाइट योर नील्स नाखून मत चबाओ फिर कहती है डोंट हंच योर शोल्डर्स अपने कंधे मत उचकाओ फिर कहती है स्टॉप दैट स्लाउचिंग झुक जु, वो झुक कर चलना बंद करो जैसे तुम झुक झुक कर चलती हो एंड सिट अप स्टेट और सीधी बैठ जाओ अमेंडा अब माँ इतना कहती हो अमेंडा खोई है अपनी बातों में सोचती है वो स्वप्न देख रही किसी चीज का माने विचार कर रही लीन है वो अपने विचारों में और वो अब किसके विचारों में लीन है अब समझिए देयर इज अ लैंग्वेज लैंग्वेज माने शांत एमरोल्ड सी एक पन्ना जैसा चमकीला समुद्र शांत और पन्ना जैसा चमकीला समुद्र है वे आर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अरमेड कि अपने आप को मरमेड मानती है जलपरी मानती है और कल्पना करती है एक शांत समुद्र की जो पन्ने जैसा चमकीला है एमरॉल्ड सी है कि जहाँ वो एक मात्र सोल माने होता है एकमात्र इनहेविटेंट माने निवासी जहां उस समुद्र में वो एकमात्र निवासी है जो पन्ने जैसा चमकीला शांत समुद्र है उसमें एकमात्र निवासी है और वो कौन है अमरबैड एक जल परी है जो ड्रिप्टिंग ब्लिसफुली ब्लिसफुली माने प्रसन्नतापूर्वक जो प्रसन्नतापूर्वक तैर रही है यानी इस स्टेंजा में पोएट पोएटेस ये बोलती हैं कि माँ के मना करती है उसको कहती है डोंट वाइट योर नील्स अमेंडा डोंट हंची शोल्डर्स अमेंडा स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट स्ट्रेट अमेंडा नाखून ना अपने चबाओ कंधे ना उचकाओ झुक्कर मत चलो सीधे बैठो ऐसा माँ डांटते हुए कहती है उसको लेकिन वो एक स्वप्न में खोई है एक समुद्र का स्वप्न देख रही माने विचार कर रही समुद्र में लीन है उसके स्वप्न में और कहती है यहाँ स्वप्न मतलब सो नहीं रही वो जागते हुए स्वप्न देखना तो देर इज अ लैंग्वेज लैंग्वेज माने शांत एक बिल्कुल शांत पन्ने जैसा एमरोल्ड सी है चमकदार पन्ने जैसा चमकदार एक एक रत्न होता है पन्ना उस जैसा चमकदार समुद्र है हरा हरा वी आर द सोल इन्बिटेंट इज मी और कल्पना वो करती है कि जहां एकमात्र निवासी उस समुद्र में एकमात्र मै ही हूं अमरमेड मरमेड मरमेड के रूप में एक जलपरी के रूप में ड्रिप्टिंग बिलिस जो बड़े आनंद पूर्वक ड्रिप्ट कर रही है तैर रही है फिर आगे देखें अब आगे माँ उसकी कहती है कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा फिर पूछती है उसकी माँ कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा कि अमेंडा तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा क्या तुमने अपना रूम भी टाइडी कर लिया है टाइडी का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप देना क्या तुम अपने रूम को व्यवस्था व्यवस्थित रूप दे दिया है? माने जो चीजें जहाँ जिस जगह थी वहीं वो चीज़ें तुमने सेट कर दी हैं आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा कि मैं सोचती हूं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते साफ कर लेना अमेंडा क्या तुमने वो किया है अब यहां इतना माँ कहती है और अमेंडा अमेंडा स्वप्न में खोई अमेंडा आप सोचती है कि orphan, कि आई एम एन मैं एक अनाथ हूं। रोमिंग द स्ट्रीट जो स्ट्रीट जो गली में रोमिंग कर रहा है भटक रहा है वो मैं अनाथ हूं माने वो अनाथ हूं जो गली में भटक रही है रोमिंग कर रही आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट पैटर्न का मतलब होता है आकृति बनाना कि मैं सॉफ्ट डस्ट मुलायम धूल में डस्ट में मैं आकृतियां बनाती हूं विद माई हस्ड हज माने शांत वेयर फीट अपने शांत नंगे पैरों से मैं आकृतियां बना रही हूं सॉफ्ट डस्ट में ये सोच रही वो द साइलेंस इज गोल्डन अब जो साइलेंस है जो शांति है वो कैसी है गोल्डन है जो साइलेंस है वो गोल्डन है एंड द फ्रीडम इज स्वीट और जो स्वतंत्रता है वो बड़ी स्वीट है यानी अब यहाँ अपने आप की कल्पना करती हैं कि वो एक अनाथ है अमेंडा कल्पना करती है कि वो एक अनाथ है गली में भटक रही है और अपने पैरों से डस्ट में आकृतियाँ पैटर्न कर रही बना रही अच्छे अच्छे पैटर्न बना रही है और विद माई हस्ट बेयर फीट अपने शांत नंगे पैरों से द साइलेंस इज गोल्डन अब जो साइलेंस है वो गोल्डन है द फ्रीडम इज स्वीट जो फ्रीडम है बड़ी स्वीट है बड़ी स्वतंत्रता बड़ी प्यारी है तो यहाँ वो कल्पना करती है जबकि माँ क्या कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है डिड यू टाइड योर रूम क्या तुमने अपना रूम व्यवस्थित कर लिया है मेंडा आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ कि मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे शूज़ क्लीन करने के लिए कहा था क्या तुमने वो किया है तो जब माँ इतना कहती है तो वो कल्पना करती है अपने आप को एक ऑर्फन के रूप में अनाथ के रूप में जो गली में भटक रही और सोचती है कि वो क्या कर रही सॉफ्ट डस्ट में पैटर्न बनाती हुई चल रही अपने शांत नंगे पैरों से द साइलेंस इज गोल्डन और जो साइलेंस है वो गोल्डन है यानी बड़ी सुनहरी शांति है द फ्रीडम इज स्वीट स्वतंत्रता जो है बड़ी मीठी स्वतंत्रता है अब आगे देखें आगे समझे अब आगे फिर मैं कहती है उसको टोकते तो, हुए कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा कि अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ रिमेंबर योर एक्नी अमेंडा कि अपनी एक्नी एक्नी का एक अर्थ होता है मुहासी कि अपनी मुहासों को ध्यान रखो कि तुम्हें मुहासे भी हुए हैं उनको ध्यान रखो इसलिए चॉकलेट मत खाओ बिल्यू बिल्यू प्लीज लुक एट मी क्या तुम कृपया करके मेरी तरफ देखोगी वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या कृपया करके तुम तो मेरी तरफ देखोगी मेरी तरफ देखो प्लीज मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ माँ इतना कहती हैं तो अब वो कल्पना कर रही है खोई है किन बातों में वो सोचती है कि I am, I am Rapunzel, कि मैं एक आई रिप, केयर मुझे कोई चिंता नहीं लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर कि और एक ऐसी रिपंजल है ऐसी एक परी है ये कि जो जिसको कोई चिंता नहीं है और जो माने वो कल्पना कर रही है अपने आप में सोच रही है कि मैं एक रिपंजल हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं है आई हैव नॉट अ केयर मुझे कोई भी चिंता नहीं है लाइफ इन अ टावर इज ट्रेंकुअल और जो टावर में जो जीवन में यानी एक ऐसी परी है जो एक टावर में रह रही और जो टावर में बड़ी शांति है पीसफुल टावर है ट्रेंकुअल है और रेयर बड़ा बड़ा दुर्लभ टावर है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर और वो कहती है कि निश्चित रूप से कभी भी मैं अपने बालों को लटकाऊंगी नहीं नीचे नहीं लटकाऊंगी लेट डाउन माय ब्राइट हेयर मैं अपने चमकीले बालों को बालों को कभी भी लटकाऊंगी नहीं ऐसा वो सोच रही कल्पना कर रही वो सोच रही कि रिपंजेल है उसको कोई चिंता नहीं किसी चीज़ की टावर बड़ा शांत है बड़ा दुर्लभ टावर है और उसी शांति में वो एन्जॉय कर रही और साथ में वो सोच रही कि आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर कि मैं अपने चमकीले इन गोल्डन हेयर हेयर को बालों को कभी भी लटकाऊंगी नहीं खुला नहीं रखूंगी तो माँ जबकि वो ये सोच रही होती है और माँ उससे कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा कि अमेंडा चॉकलेट ना खाना वो चॉकलेट ना खाना रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा और अपनी मुहासों का ख्याल रखना विल यू प्लीज लुक एट मी वेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी कृपया करके प्लीज कि जब मैं तुमसे बात कर रही करी तो कृपया करके मेरी तरफ देखो अब आगे देखें तो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस सल्किंग माने होता है नाराज होना उसकी माँ कहती कि स्टॉप वंस अमेंडा कि अमेंडा तुरंत ही नाराज होना छोड़ो बंद करो कि जो तुम तुरंत नाराज हो जाती हो माने तुरंत sulking माने नाराज होना कि तुम ये जो नाराज हो जाती हो यानी बड़ा जो तुम्हारा चिड़चिड़ा स्वभाव है बैड टेम्पर्ड है वो तुम बंद करो यानी तुम नाराज मत हो यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा तुम हमेशा बड़ी मूडी रहती हो यानी तुनक मिजाज रहती हो तुम्हारी जो मनोदशा है वो अस्थिर मनोदशा है माने मूडी हो तुम तुरंत ही नाराज़ हो जाती हो तुरंत किसी चीज़ का बुरा मान जाती हो यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा तुम हमेशा बहुत मूडी हो एनी वन थिंक दैट अब कोई भी ये सोच सकता है मेरी बातों से माँ ये कहती है यहाँ उसकी यानी पोइटेस अब ये कहना चाह रही है उसकी माँ के थ्रू कहना चाह रही कि कोई भी सोचेगा ये एनी वोट थिंग कोई भी ये सोच सोचेगा दैट कि आई नेग्ड एट यू कि मैं तुम पर नेग्ड हुई माने मैं तुम, मैंने तुमको डांटा नेग माने होता डांटना कि आई नेग्ड एट यू कि मैंने तुम्हें धमका के ये कहा तुम्हें डांट के ये कहा अमेंडा कि पोइटेस कहती हैं कि उसकी माँ बोल रही है कि पहले तो ये सल्किंग होना बंद करो स्टॉप दैट सल्किंग एट एट वंस अमेंडा कि तुरंत जो ये नाराज़ हो जाती है वो बंद करो यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा तुम हमेशा मूडी हो तुरंत ही तुम्हारा मन बिगड़ जाता है अस्थिर मनोदशा वाली हो एनी वन बुड थिंग कोई भी ये सोचेगा दैट की आई नेग्ड एट यू कि मैं तुम पर नाराज़ हो रही हूँ यानी मैं तुम्हें धमका रही हूँ नेग्ड कर रही हूँ अमेंडा तो इस तरीके से ये जो पोयम है बाई रॉबिन क्लेन यही पूरी होती है आशा है ये वीडियो आपको क्लियरली पूरी तरह समझ में आ गया होगा यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आगे अगले वीडियो मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत